हेलो फ्रेंड्स। तो कल तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे और आज सीधा सीधा उठ के आते हैं 5 मार्क्स पे। और देख सकते हो कि 3 मार्क्स वाले ही 3-4 बार घुमा के पूछा है, ये 3 नंबर या 2 नंबर 1 नंबर, ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खाली गॉस लॉ चल रहा है, मतलब यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस द एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलता है आपसे ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। और इससे यही क्वेश्चन बन ही सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताइए, क्योंकि अगर इस पर रिसर्च फील्ड में भी आप जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से ही बाकी के फंक्शंस और ग्राफ को प्लॉट करते हैं। इस वजह से अभी के हम क्वेश्चन जो भी करते हैं ना, वो किसी ना किसी का रिसर्च पेपर वर्क होता है। खैर, उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल पूछ रखा है कि गॉस लॉ से आप एक्सप्रेशन को डिड्यूस करके बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जबकि मेरे पास क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, स्पेस नहीं है बोर्ड में। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं इस जगह पे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा, एक बार वहां पे ऑब्जर्व करके देखो कहाँ तक बोर्ड आ रहा है। ले आ रहा हूँ और ऊपर जाओ बस। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल होता क्या है वास्तव में, मैं आपको इसका फिजिकल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। स्फेरिकल सेल का मतलब हो गया एक फुटबॉल आकार का मेटेलिक कंडक्टिंग मटेरियल जो कि अंदर से खोखला होगा। इसे तो ऐसा बनाना नहीं चाहिए, पर वैसे उसका जो भी थिकनेस होगा अंदर, उसको लेके मैं ऐसा बना दे रहा हूँ। तो अंदर खोखला होता, अंदर कुछ भी नहीं होता, इसका सेंटर है। और बोल रखा है कि भाई आउटसाइड द सेल किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बता इस सेल के द्वारा, और क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो इट विल कंटेन सम चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उसने चार्ज दे नहीं रखा है, वैसे चार्ज हमेशा एजम्पशन क्यू का रहता ही है, तो यहाँ क्यू होगा। ठीक है, इस पे पूरा पे क्यू चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली बोल रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल। सेल का मतलब ये है कि अंदर ये पूरा खोखला होता है, अंदर कुछ भी नहीं है, बस बाहर का एक वो स्ट्रक्चर होता है जिसका सम थिकनेस है कुछ। अब हम करेंगे क्या, इस पॉइंट पे निकालना है पी पे, कुछ नहीं कर सकते, गॉसियन सरफेस ले लेंगे। जब गॉस लॉ जब भी बोलेगा तो हम गॉसियन सरफेस ही लेते हैं, ये बेसिक नियम है। और वही गॉसियन सरफेस लिया जाएगा जिससे कि मेरा न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाए। कुछ उठपटांग नहीं ले सकते कि यहाँ पे सिलेंडर ले लिए या कुछ कोन ले लिए, नहीं ले सकते, क्योंकि उससे पूरा का पूरा चार्ज कवर नहीं होगा। सबसे इजीएस्ट जो गॉसियन सरफेस है वो मेरा ये है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच नेग्लिजिबल है। वैसा तो कुछ बना नहीं रखा है तो इसे मैं मिटा सकता हूँ, इसे बनाने की जरूरत भी नहीं हो, थिकनेस बहुत कम होता है आर के कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में इन दोनों के बीच थिकनेस होता है मैट्रिक आर है। और यहाँ से इस पॉइंट का दूरी बोल रखा है कि जहाँ भी आउटसाइड निकालना है स्मॉल आर होगा। अब हमें आप सबको पता है कि एरिया वेक्टर जरूरत पड़ता ही है। इस पॉइंट पे जो भी एरिया वेक्टर लेंगे सेम वहाँ पे, यहाँ पे वही होगा ds, e इधर आ गया और ds भी यही है इसी डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो? अब डायरेक्शन e और ds का सेम है, और हम सबको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो इंटीग्रल ऑफ e डॉट ds होता है। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में एंगल 0 डिग्री, cos थीटा थीटा इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बिकम 1। ठीक है, पता है आप लोगों को कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है जब कॉस 0 जो हो जाता है वो 1 होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर इधर ही तो होगा, उसके नॉर्मल लेते हैं हम एरिया वेक्टर, जिस पॉइंट पे निकालना हो तो इसके नॉर्मल यही तो होगा, इस सरफेस का नॉर्मल एन कैप नॉर्मल वेक्टर। आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल क्या होगा? अब मान लो कि उस छोटे से जगह में यहाँ पे जो जितने फील्ड लाइंस होंगे उसे डी फाई बोल दो। डी फाई मतलब कि बहुत छोटा है, एकदम छोटा सा ले रहा है, तो डी फाई, डी फाई हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल ई। अब इस हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट, इसीलिए यहाँ डी नहीं लिख सकते, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू वैरी कर रही है, ये वैल्यू क्यों वैरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर वैरी कर रहा है डी एस। E is constant. Why constant? Because हर गॉसियन के हर सरफेस के हर पॉइंट पे E constant होगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस यहाँ से हर जगह सेम है। क्यों? क्योंकि एक सर्कल है, एक स्फेयर है,
दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग यू हैव टू गेट इट. तो आपको समझने के लिए सबसे बेसिक ये कि ई कॉन्स्टेंट होता है हर पॉइंट. अब हम इंटीग्रेट कर देंगे डी फाइव, ठीक है, इधर भी इंटीग्रल लगा दो. क्लोज इसलिए क्योंकि बार बार बताता हूँ क्लोज सरफेस है ई डॉट डी एस डॉट. अब ये डी फाइव को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल सही, फाइव, उसके बाद ई बाहर आ जाएगा. और क्योंकि ये एक स्फेयर है और स्फेयर का एरिया क्या होता है, फोर पाई आर स्क्वायर, जो सी एस ए है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है. और हम सबको पता है फाई क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज, वेयर लिख लेना यार, वेयर क्यू इज यूनिफॉर्मली चार्ज ऑन दैट शेल, इस सेल में. अब इन दोनों को आप इक्वेट कर लो, वन टू, ऐसे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड एंड टू. क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मिटा लेता हूँ मैं ऊपर. क्या लिख सकते हैं कि जो e 4 पाई r स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. और e क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट को एक तरफ रखिए और q अपॉन r स्क्वायर. हो गया रिड्यूस, ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि, ठीक है, हो गया आंसर पहला सॉल्व. दूसरा बता सकते हो क्या होगा इनसाइड द सेल, मतलब इस सेल के अंदर. इस सेल के अंदर क्या होगा कोई बता सकता है, कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. क्यों, क्योंकि इस इधर कोई चार्ज ही नहीं है. अंदर कहाँ पर, अगर कोई पॉइंट लो तो इसके अंदर कोई भी चार्ज, मतलब चार्ज को सराउंड करने वाला गॉसियन सरफेस आप लोगे तो उसके अंदर कहाँ कोई चार्ज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सिंपल सा जीरो हो जाएगा. क्यों, क्योंकि कोई गॉसियन सरफेस जो भी लोगे, अब आप ये मत बोल देना कि सर यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जा ही रहा है. अरे भाई हम गॉस लॉ का बात कर रहे हैं, गॉस लॉ में हमेशा क्या होता है कि जो पॉइंट बोला उस पॉइंट से लेकर हमको तुरंत एक गॉसियन सरफेस बनाना होता है, और उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, ना कि बाहर या कहीं और. हाँ मानते हैं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके गुजर रहा होगा, लेकिन क्या गॉसियन सरफेस हम ऐसे जो यहाँ पे जो कर रहे हैं, पर यह वास्तव में मानना सही नहीं है, क्योंकि इसे अगर पॉइंट चार्ज मान लें तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर निकल रहा होगा. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अंदर की ओर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए, समझे, फिजिक्स में ये वैलिड नहीं है. तुम दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर तुम एक पॉइंट चार्ज मान लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है. हो गया, इनसाइड द सेल क्या होगा, ई होगा तुम्हारा जीरो, क्योंकि आंसर में क्या होगा, बिकॉज देयर इज नॉट अ चार्ज इनसाइड एनी टेकन गॉसियन सरफेस. खत्म. प्लॉट करो भाई ग्राफ, क्या इस अब यह प्लॉट होगा, यही प्लॉट होगा, दिख रहा है सबको, ये वाला फिगर बनाना भाई, नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं देता. ऐसे हो गया, ई इज अ फंक्शन ऑफ आर और ये आर है, कहीं आर वैल्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी वैल्यू पे तो शुरू हो रही है, यहीं से है, अंदर तो है ही नहीं कुछ, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. अब यहाँ पे अगर शुरू हो रहा है तो इस जगह पे जो भी वैल्यू होगी वो मैक्स होगी, चार्ज के सबसे नजदीक जाओगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है. अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड गिरता जाएगा, और फॉर्मूला से भी देख लो, आर बढ़ाते जाओ ई घटते जाएगा. जिस समय आर इन्फिनिटी को छू रहा होगा, जो कि इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है कि छुएगा, वहां पे ई जीरो के अप्रोच करेगा. तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि ई जहां पे भी छुएगा कहीं आर को इन्फिनिटी पे, वहां पे मतलब आर जहां पे इन्फिनिटी को छू रहा होगा वहां पे ई क्या होगा, जीरो. वो हम यहां से भी देख सकते हैं, आर को खूब बड़ा कर दो ई उतना छोटा, आर को इन्फिनिटी कर दो ई जीरो. ई जीरो कैसे, आर को इन्फिनिटी करोगे पूरा का पूरा जो ऊपर का न्यूमरेटर है वो डिवाइड होगा इन्फिनिटी से, तो जीरो को अप्रोच करेगा. हम एग्जैक्ट जीरो नहीं बोलते हैं, ये मैथ्स में वैलिड नहीं है, दिस ऑल आर एजम्पशंस कि ऐसा ही चला जाता है, इसमें मैं कुछ नहीं करता. उन लोगों ने ऐसे बनाया कि जीरो को अप्रोच किया तो ये पूरा वैल्यू जीरो, इन्फिनिटी को अप्रोच किया आर तो ये पूरा वैल्यू जीरो. इट्स अ वेरी लार्ज नंबर, इन्फिनिटी सेइंग का मतलब कि बहुत बड़ा नंबर. तो खत्म हो गया, ऐसा सवाल हम दो नंबर तीन नंबर वालों में भी कर चुके हैं, नोट कर सकते हो.
वीडियो पॉज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट इट्स ऐसा यूनिट नहीं करा रहा यार, बहुत बार हो गए। दूसरा इसका पार्ट है स्मॉल मेटल स्फीयर, क्या स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल कैविटी। लैंग्वेज कुछ भी लिखे, पूछ रहा है गौसिलो। लोकेटेड एट सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह भाई। इनसाइड अ लार्ज अनचार्ज मेटालिक स्फेरिकल मेटल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ कुछ लिखते रहे, बाकी होगा भाई ई डॉट डी एस स्फेरिकल स्फेरिकल सेल एज शोन छठा हो तो बोली दिया एज शोन इन फिगर, तो ये बोली दिया फिगर में दिखा रखे हैं। यूज करो गॉस लॉ और एक्सप्रेशन बताओ, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट्स P1 and P2 ये स्फेरिकल सेल है, ये कैविटी है अंदर वाला, और इस जगह पे प्लस क्यू नाम का चार्ज रखा हुआ है, और एक पॉइंट दे दिया तुमको P1 यहाँ और एक पॉइंट दे दिया है P2 यहाँ, बताना है इन दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। फिर वही बात, पूरा एग्जाम्पल लिख लो कि दैट यहाँ से यहाँ का जो रेडियस है वो आर है, दे रखा क्या स्मॉल रेडियस आर वर दिया कुछ नहीं है, तो मान लो बिना आर के क्या कर पाएंगे आर, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी एक गॉसियन सरफेस मान लो, वी आर हमेशा लिखना वी आर एज्यूमिंग अ गॉसियन सरफेस फ्रॉम सेंटर टू अ पॉइंट P1 वेयर द रेडियस विल बी आर स्मॉल आर, मान लिया गॉसियन सरफेस से ऐसे करके से लिख देना उस डायग्राम ताकि लगे कि हाँ लड़का वो गॉसियन सरफेस लेने आता है, लिखने का नंबर मिलता है भाई, हो गया। अब तुमको क्या करना है, इस पॉइंट पे तुमको एक डीएस चाहिए, डीएस वेक्टर, वो इस पॉइंट वही जो जो यहाँ पे जितना से जितना एरिया सारा होगा वही एरिया तो यहाँ पे भी लिखेगा, जितना फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस करेगा वही यहाँ से भी पास कर रहा होगा, वही डीएस वेक्टर दोनों का सेम होगा। फिर वही कहानी क्या, फाई इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और दोनों का डी एस का भी इधर ही एंगल और ई का भी इधर ही, हम बस दोनों का है मतलब दोनों यार पैरेलल बोल लो या एक ही पे कोइंसाइड कर रहा है तो कॉस थीटा जीरो, तो क्या हो गया फाई नेट ई डी एस क्या 4πr2। अबे इसका इसका बस सरफेस एरिया डीएस ये तो होगा, छोटा छोटा डीएस मिलके पूरा स्फीयर का सीएसए बना लेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, सीएसए बोलता हूँ तो कर्व्ड सरफेस एरिया समझना कुछ और नहीं, खत्म। दूसरा फॉर्मूला बोलता है भैया कि जब ऐसा कुछ हो जाए कि इनक्लोज सरफेस में दिखाए तो उसका चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला प्लस क्यू दे रखा है चार्ज, इसको इक्वेशन वन मानो इसको टू मानो दोनों को फाइव को इक्वेट करो, इक्वेट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन बन के आएगा ई इंटू 4πr² इज ऑलवेज प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये पिछले वाला ही क्वेश्चन सेम है, बस घुमाया क्या है कि P1 P2 ऐसा कुछ बना के दे दिया कि तुम भाई घूम जाओ,
घूमोगे नहीं। देखो क्या किया, दोनों एक ही तरह से पूछा है, बस अलग अलग साल में पूछ रखा है। ये क्या होगा, 1/4πε0q/r2। हाँ कोई बता सकता है भाई ये P2 में क्या होगा, P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, बता सकते हो? अभी ड्राइव कर चुके हैं कि इनसाइड द कंडक्टर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, नोट डाउन कर लो, रट लो, दिमाग में बसा लो कि कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल ऊपर लिख देता हूँ, सर नहीं दिख रहा। इनसाइड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड इनसाइड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल E=0, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं करता, अंदर में बाहर ही रहेगा बस। इसलिए एक नंबर वाला सवाल में भी किए थे कि ऐसा कुछ था तो ऐसे कुछ दे रखा है कि ऐसे पास हुआ, कोई ऐसे पास हो गया, स्फेरिकल मटेरियल बताओ कौन सा हुआ। हम लोगों ने किया था नॉर्मली ऐसे पड़ेगा और ऐसे नॉर्मली बाहर है, पहले कुछ फ्लक्स हो इसलिए नॉर्मल, इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर भी इस यहाँ पर भी नॉर्मल एंगल चाहिए होगा, मतलब कि अंदर कुछ नहीं होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस कंडक्टिंग मटेरियल तो अंदर पूछे, क्योंकि ये शेल है तो शेल में यहाँ कोई गैप नहीं है, ये उसका विड्थ है, ये पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल का जो भी पार्ट होगा वो भरा हुआ है, गैप नहीं है, कैविटी तो ये है सिर्फ अंदर वाला, यहाँ पे मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो बस यही पूछना चाह रहे थे। तो अगर कोई ऊपर लिखेगा 2 नंबर मिलेगा, नीचे वाला लिखेगा तो भी 5 नंबर पूरा देगा। ओके, अब बोल रहा है ड्रॉ द पैटर्न ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन से इसके बाद एक और पूछा है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न ड्रॉ कर, प्लस क्यू, इसके बाहर एक सेल, क्या होगा पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ बहुत डेंस निकलेगा, प्रॉपर बनाना, यहाँ डेंस निकलेगा और बाहर में क्या होगा कम, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, बस ये दिखाना है कम। अब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, E=kq/r2, आर बढ़ेगा तो ई घट जाएगा, ये बनाना है। तो इसमें भी यहाँ पे ज्यादा इसलिए क्योंकि ये नजदीक है, ये पॉइंट इस क्यू के नजदीक है, यहाँ ज्यादा होगा, दूर जाएगा तो कम बनाना है। कम बनाना मतलब बस तुम्हारे ये नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि यहाँ ज्यादा बनाए यहाँ कम बनाए, क्यों, क्योंकि दूर जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, नजदीक में ज्यादा होगा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया करो यार, सही लगता।